अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, सब कैसे होंगे। तो मैं बना रही कीमे के पराठे, जो आप लोग साथ देखिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये मैंने कीमा बनाया था रात को, तो इसके मैं बना रही हूँ पराठे। मैं बताती हूँ मैं पराठा कैसे बनाती हूँ कीमे का। देखिए इसको हम छोटी छोटी रोटियाँ इसकी बेल लेंगे हम पहले दोनों ही। देखिए इतनी बेल लेते हैं, दूसरी भी मैं ऐसे बेल लेती हूँ। तो देखिए दोनों रोटियाँ मैंने बेल ली है, तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कीमा। तो इसके अंदर मैंने आलू भी ऐड किए थे, लेकिन मैंने आलू निकाल लिए, सिर्फ मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर रही हूँ। तो आपको ये देखिए इसको अच्छे से सब कीमे को फैला लेते हैं इसमें। और ये दूसरी रोटी इसके ऊपर हम अच्छे से इसको कवर कर देते हैं पूरे को। और साथ में मैंने तवा भी चढ़ाया हुआ है, और इसको हम अच्छा सा बेलते हैं और तवे पे ऐड करते हैं। ये देखिए आप चाहे तो इसको बेलन से ही बेल सकते हैं, आप चाहे तो हाथ से भी, हाथों की मदद से भी अच्छा से बड़ा कर सकते हैं इसको। ये देखिए इसको मैंने अच्छा सा बड़ा कर लिया, और उसके बाद तवे पे इसको ऐड करते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा घी लगा के, आप ऑयल में भी बना सकते हैं, तो मैं घी में बना रही इसको पराठे को। देखिए इसके थोड़ा सा हम घी लगा के और इसको हम बढ़ा के इसके तवे के ऊपर डाल देते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप जैसे भी बनाएं। ये देखिए इसको मैं इसके ऐड कर देती हूँ, और दूसरा भी मैं ऐसे बेल लेती हूँ उसको भी, फिर आपको फिर दिखाती हूँ। जैसे अच्छा से पकता है पराठा हमारा, नीचे से सिक जाता है, इसको हम पट्टी कर लेते हैं। देखिए सेट अच्छे से सिक गई, इसको हम दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक लेते, फिर इसके ऊपर हम घी लगाते हैं। देखिए सेट भी पक गई, तो मैं इसके अंदर घी लगा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, तो घी में जो है ना पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए मैं इसके अंदर घी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए और इसको हम अच्छा सा सेक लेते हैं पराठे को दोनों तरफ से। देखिए माशाल्लाह पराठा कितना अच्छा सा पक रहा है, फूल कितना रहा है। ये देखें दोनों तरफ मैं सेकती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा पराठा बहुत अच्छा सा सीख गया, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर, और हम दूसरा पराठा भी ऐसे बेल के इसमें ऐड करते हैं। तो ये देखिए तेल, ये पराठा हमारा बन के बहुत अच्छा सा तैयार हो गया। ये देखिए माशाल्लाह क्रिस्पी बना है बहुत ही अच्छा सा। और दूसरा भी मैं ऐसे बेल के इसमें ऐड करती हूँ। तो देखिए दूसरा भी मैंने अच्छा सा बेल लिया, वो भी ऐड कर देते हैं इसके ऊपर। देखिए इसके अंदर तेल था, तो बिल्कुल आराम से ऐड कीजिएगा, अपने हाथों का ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने ये तीनों पराठे बना के बना लिए, तो अभी आपको हम फिर डिश आउट करके दिखाते हैं। और इसको हम अच्छा सा इस पराठे को भी सेक लेते हैं, फिर आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। हमारे पराठे बन के रेडी हो गए कीमे के, और तो देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बने। और ये देखिए देखिए कितना अच्छा कीमे का पराठा बन के रेडी हो गया। आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने इसके अंदर चीज़ नहीं ऐड की। ये देखिए सभी पराठे हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे बन गए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी रेसिपी, और कमेंट पर ज़रूर किया करें, और घंटी के बटन दबाना मत भूला करें आप लोगों को, क्योंकि हमारी वीडियो बदत मिलती रहेगी। इसी वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।